हम सबको मालूम है कि आप शुरू से स्पोर्ट्स पर्सन के बहुत बड़े सपोर्टर रहे हैं, क्योंकि आप खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन रह चुके हैं, पर क्या आप हमें अपने मार्शल आर्ट्स का एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर कर सकते हैं स्टेज पे, इस फोरम पे? अच्छा, मैं मुझे नहीं मालूम था मुझसे प्रश्न पूछा जाएगा, वहाँ से सीधा बुला के इधर बिठा के फटाफट पहला प्रश्न। आइए सर, सामने आइए। हाँ जी, तो आप जानना चाहते हैं मेरी मार्शल आर्ट का एक्सपीरियंस? जानना चाहता हूँ, पर उसका सब्जेक्ट नहीं बनना चाहता। नहीं, 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 सब्जेक्ट नहीं बना रहा हूँ मैं। सर वैसे तो बहुत लंबी कहानी है। मार्शल आर्ट जब मैंने शुरू किया था, सो आई वुड से आई स्टार्टेड टू लर्न बिकॉज आई वॉन्टेड टू इम्प्रेस अ गर्ल। नो, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली। सो आई स्टार्टेड लर्निंग मार्शल आर्ट बिकॉज आई वॉन्टेड टू इम्प्रेस अ गर्ल, एंड जो मेरा जो नेबर था ही वॉज ऑलरेडी डूइंग इट एंड ही वॉज वेरी मच सीनियर टू मी, सो आई ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग इट एंड आई वॉन्टेड टू इम्प्रेस, एंड देन आई फेल इन लव विद इट, नॉट विद हर, विद मार्शल आर्ट। एंड देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिसिंग। लेट मी टेल यू, मेरे जो मेरे डैडी जो हैं वो रेसलर थे, सो या ही यूज टू रिप्रेजेंट पंजाब। सो या सो एंड देन वो जो खून है वो मेरे अंदर भी दौड़ रहा था, तो एंड आई स्टार्टेड डूइंग मार्शल आर्ट एंड हाउ, मतलब मेरी जो कहानी है फिर चलते चलते कैसे बैंकॉक पहुंची। बैंकॉक में मैंने थाई बॉक्सिंग सीखता था और वहाँ करता भी था, वहाँ लड़ता भी था, पैसों के लिए लड़ता था। क्या कहते हैं, एली के अंदर वहाँ हमारी लड़ाई होती थी, बहुत मार भी खानी पड़ती थी, पैसे भी मिलते थे, ज़्यादा नहीं थे लेकिन छोटा मोटा था। बट जर्नी जो थी वो बहुत, आई वुड से इट कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ स्वेट, ब्लड, डिटर्मिनेशन, पैशन, ये सारी चीज़ें मिला के दैट वॉज माई होल थिंग, माई वे टू मार्शल आर्ट एंड माई रोड टूवर्ड्स कमिंग टूवर्ड्स इंडियन सिनेमा। थैंक यू अक्षय।